बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास है कैसे निकालते हैं, ये नाम से ज़्यादा रिलेटिव जो है मास, ऐसा मास जो मुकाबले के बाद हासिल करते हैं। तो रिलेटिव वैसे भी रिश्तेदार को कहते हैं, तो रिलेटिव को हम कंपेरेटिव भी कहते हैं। रिश्तेदारों में क्या होता है, मुकाबला होता है। एक औरत कहती मेरे पास 52 तोले सोना है, दूसरी भी कहती मेरे पास 52 तोले सोना है, एक औरत कहती मेरे पास 200 सूट है, दूसरी कहती मेरे पास भी 200 सूट है। चलो और मिसाल लेते हैं, हम क्या है बाजार में जाते हैं, हम क्या चीनी मांगते हैं दुकानदार से, तो हम कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो, तो वो 1 किलो जो है एक तरफ जो है वो जो है बाट रखता है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है चीनी डाल देता है। जब वो क्या बराबर हो जाते हैं तो वो हमें क्या दे देता है। इस तरह से ये कंपेरेटिव जो है ये कहते हैं इसे। तो एटॉमिक मास है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो एटम जो हैं ये बहुत ही छोटे हैं, देखे नहीं जा सकते, इनका मास जो है बहुत छोटे हैं। 10^-24 से 10^-25 ग्राम तक ये वेरी करते हैं। इस तरह से हम आम बैलेंस से क्या इसमें ये नहीं कर सकते, इस तरह से हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट कंपेयर्ड विद मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यह मुकाबला जो किससे करते हैं, लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन से करते हैं। तो इस तरह से क्या है रिलेटिव, रीजन क्या है रिलेटिव जो है रीजन फॉर रिलेटिव एटॉमिक मासेस, रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है लेने की रीजन क्या है। द मासेस ऑफ एटम्स आर इन द रेंज ऑफ क्या 10^-24 और क्या -24 और 10^-25, दीज आर वेरी वेरी क्या स्मॉल क्वांटिटी। सो क्या वी डू नॉट क्या वे सच एक्सट्रीमली स्मॉल मास बाई यूजिंग सेंसिटिव बैलेंस, हत्ता कि हम क्या इलेक्ट्रिकल बैलेंस सेंसिटिव बैलेंस भी ले उससे भी ये मास में ये नहीं कर सकते। ये बहुत नेगेटिव में मैंने लिखा 10^-24 से 10^-25 तक रेंज करते हैं। तो इस तरह से क्या है ये वेट बहुत ही छोटे हैं, हम किसी के सेंसिटिव जो है ये बैलेंस से भी नोट नहीं कर सकते। देयरफॉर क्या है वी कैलकुलेट कंपेरेटिव मास, हम जो मुकाबलातन मास निकालते हैं, वी टेक जो कंपेरेटिव मास विद लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12, हम क्या है कार्बन के ये हल्के तरीन आइसोटोप के साथ है इसका मुकाबला करते हैं। आपको पता कार्बन के क्या 3 आइसोटोप होते हैं, एक का जो है एटॉमिक मास 12 होता, दूसरे का 13 होता, तीसरे का 14 होता। हम लाइटेस्ट जो है आइसोटोप के साथ मुकाबला करते हैं। कार्बन इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन एज रेफरेंस ड्यू टू द गिवन रीजन, ये कार्बन को ही हम क्यों सिलेक्ट करते हैं। पहले वक्तों में हाइड्रोजन को भी लिया जाता था, आजकल जो है ये कार्बन को लिया जाता है। हम कार्बन को ही क्यों रेफरेंस लेते हैं, इसकी मैंने वजूहत लिखी हैं। कार्बन इज स्टेबल एलिमेंट, कार्बन जो है एक स्टेबल एलिमेंट है, कायनात में क्या है ये एज डायमंड रह भी सकता है। कार्बन क्या है 12 आइसोटोप इज प्रेजेंट इन प्योरेस्ट फॉर्म, ये कार्बन जो हल्का तरीन आइसोटोप है ये प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म मेनी कंपाउंड, कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट करता है, बहुत से कंपाउंड बनाता है। यूनिट यूज्ड फॉर एटॉमिक मास है इज एटॉमिक मास यूनिट एब्रीवेटेड एज AMU, जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक मास मेजर करने के लिए वो एटॉमिक मास यूनिट है, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं AMU से। तो इस तरह से क्या है नाउडेज क्या है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू यूनिफाइड यूनिट, तो इस तरह से क्या है एक एटॉमिक मास यूनिट जो है किसके बराबर होता है, अभी हम इसकी क्या ये कैलकुलेट भी करेंगे। तो जो है आप इसे देखें कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे जो है ये कंपेरेटिव जो है एटॉमिक मासेस जो है रिलेटिव एटॉमिक मासेस हम नोट मेजर करते हैं, वो अगर आकर फार्मूले में क्या बताता हूं आपको। तो जो है अब देख रहे हैं एक एटॉमिक मास है यूनिट बराबर है 1.66 × 10^-24 ग्राम, तो यूनिफाइड यूनिट किसके बराबर है इसे मैं कहता ये भी कहते हैं आजकल, तो 1.66 × 10^-24 ग्राम के बराबर है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं,
ये मास ऑफ 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ द कार्बन टेकन एज 12। ये कार्बन के एटॉमिक मास का एक बारहवां हिस्सा है, विच इज कॉल्ड एज के एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ के हाइड्रोजन इज 1.008। मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कैसे ये क्या रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज क्या है, 15.9995। तो मैंने उसे एब्रीविएट करके क्या जो है ये राउंड ऑफ करके मैंने इसे क्या 16 लिख दिया है। एंड रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज क्या 60 के 3.54। ये जो है 60 के 3.54 होता है। अभी ये लेक्चर जारी है, आप इसे देखें, जिसमें मैंने क्या ये फार्मूले लिखने हैं एटॉमिक मास यूनिट के, और उसके बाद मैंने क्या ये वैल्यू निकाल ली है कैसे क्या हम क्या है एक एटॉमिक मास यूनिट 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10^-24 ग्राम के बराबर होता है, या 1.66 जो है मल्टीप्लाइड बाई 10^-27 किलोग्राम के बराबर होता है। ये मैंने साबित करना भी, तो इस तरह से फिर मैं साथ ही क्या है ये रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे मेजर करते हैं वो भी बताता हूँ। हम जो है ये मास ऑफ एन एटम जो है एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, तो एक एटॉमिक मास जो है यूनिट जो है बराबर होता है 1.66 मल्टीप्लाइड बाई 10^-24 ग्राम के बराबर होता है। हम ये कैलकुलेशन में क्या वैल्यू निकालेंगे, और इस तरह से क्या है फिर जो है हम ये हाइड्रोजन का क्या है मास एटॉमिक मास यूनिट में ड्राइव करेंगे। उसके लिए हम क्या है ये फार्मूले 4 ड्राइव करते हैं इसी से, तो देख लें कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड एएमयू हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखें तो क्या है हमारे पास पहला फार्मूला जो है एक एएमयू बराबर है मास ऑफ क्या है कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12। ये मैंने वही डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हम जानते हैं कि ये 12 होता है, ग्राम में लिख दें तो ग्राम पर मोल हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक मोल कार्बन जो है उसका मास जो है ये 12 ग्राम बनता है। आप देख लें कि एक मोल जो है की डेफिनेशन करें द क्वांटिटी कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम इज कॉल्ड क्या मोल। दूसरे लफ्जों में क्या एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं जिसे एनए कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और एक मोल के अंदर जो है 12 ग्राम होते हैं। तो इस तरह से क्या है मैं लिख सकता हूं कि इतने एटमों का मास ये बनता है 6.0022 मल्टीप्लाइड बाई 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन हैज मास 12 ग्राम। एक का कितना होता है, मैंने एक का फीड करना है, मैंने एक का भी निकालना चाहता हूं, बराबर है क्या 12 क्या डिवाइडेड बाय क्या 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 जो कितना आता है, ये क्या 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 आता है, जिसे मैं एन ए भी लिख रहा हूं। मैंने एन 12 को ले दिया और क्या ये इसको एन ए लिख दिया, 12 ओवर एन ए भी लिख सकता हूं। मैंने यहीं पर भी वैल्यू निकाल देनी, आगे जाकर फिर निकालूंगा। इस तरह से 1/12 तो क्या है कार्बन एटम, मैं ये क्या है इसका 1/12 लिया तो 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10^-24 ग्राम आता है, और यही जो है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10^-27 किलोग्राम आता है। मैं इसे आगे लेके चलता हूं तो मेरे पास एक एटम का एटॉमिक मास जो है जो मास है एक एटम का जो मास है 12 बाई एन ए है। तो अब मैंने क्या है पुटिंग दिस क्या मास ऑफ वन कार्बन एटम इन द फार्मूला 1 इस पे मैं फीड कर देता हूं। तो इसमें मैं फीड करता हूं तो एक का मास ऑफ वन कार्बन एटम जो मेरे पास 12 ओवर एन ए है, तो मैंने 12 ओवर एन ए को क्या है 12 से डिवाइड कर दिया। मेरे पास जो 12 ओवर क्या है एन ए मल्टीप्लाइड बाई क्या 12 से जा कट हो गया, तो हमारे पास जो 1 ओवर एन ए आ गया। तो इस तरह से एक एम यू क्या बराबर है 1 ओवर एन ए इन ग्राम, एक और फार्मूला ड्राइव हो जाता है। ये आपको जो है फार्मूले जो है ये एंट्री टेस्ट में क्या यूज होते हैं ई कैट में एम कैट में। इस तरह से मैं आगे चलता हूं
एक और जो है एक एम यू बराबर है वन ओवर एन ए, तो वन ओवर एन ए इसके बराबर है, तो क्या है ये क्या है एन ए की वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर 23 होती है। मैं क्या है इस क्वांटिटी को ऊपर वाले के और नीचे वाले को दोनों का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं 10-10 से क्या मल्टीप्लाई करता हूं, एक एम यू बराबर है 1/10 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर 23 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इस तरह से क्या है ये मेरे पास है 10 और जो है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर 24 आ गया, जिसे मैं ऐसे लिख सकूं। मैं इस क्वांटिटी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को उठा के ऊपर ले गया हूं, 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या है ये 10 माइनस 24 डिवाइड बाय 6.022, तो मेरे पास है ये जवाब आ जाता है ये एएमयू में क्या है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर माइनस 24 है ये ग्राम पर एएमयू, एक एएमयू का मास आया था। इस तरह से क्या मैंने इससे एक और फार्मूला ड्राइव कर लिया, एक एएमयू बराबर है 1.66 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर माइनस 24 ग्राम पर एएमयू। तो इस तरह से क्या है मैं एक और चौथा क्या फार्मूला मेरे पास है एटॉमिक मास ऑफ क्या है एनी एटम निकालना चाहते हैं तो वो कैसे कहते हैं मास ऑफ एन एटम इन ग्राम डिवाइड बाय क्या है आपके पास है एक एम यू के मास से डिवाइड कर देते हैं डिवाइड बाय 1.6 जो है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर जो है माइनस 24 ग्राम पर एएमयू। तो आप देखें मैं जो है मुझे पता है मैं ये क्या ये मास ऑफ क्या है हाइड्रोजन इन एएमयू में ये जानना चाहता हूं, तो मुझे एटॉमिक मास ऑफ क्या है एच मालूम करना है। तो आपको पता कि जो है एटॉमिक मास ऑफ जो है एनी एटम जो है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ जो है कौन सा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या है आप देख लें क्या है तो देख लें मेरे पास है ये इसका मास है फिर जो है एएमयू में क्या है मेरे पास है मैं ये करना चाहता हूं, तो मेरे पास है ये जो एटॉमिक मास ऑफ जो है ये क्या जो है 1.667 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पर माइनस 24 ग्राम है, तो मैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एएमयू में ये करना चाहता हूं, तो मैं वही फार्मूला अप्लाई करता हूं एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम हाइड्रोजन जो है एटॉमिक मास इन एएमयू, तो मैं ये करने के लिए मैं एटॉमिक मास ऑफ क्या है एटम इन ग्राम ऊपर रख लेता हूं और जो है ये मैंने जो है डिवाइड कर दिया जो है जो वैल्यू जो है हमारे पास आई इससे मैंने डिवाइड कर दिया एक एम यू के मास से डिवाइड कर दिया, तो इसमें से क्या है ग्राम और 10 रेज़ पर 24 माइनस 24 कट जाता है मेरे पास 1.67 को मैं 1.66 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जवाब जो आता है 1.0078 एएमयू आता है। इस तरह से क्या है हम मॉडर्न है वे से आजकल जो है इसे हम एटॉमिक मास यूनिट को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं ये यूनिफाइड यूनिट कहलाता है ये बराबर है 1.0078। इस तरह से क्या है ये हमारे पास है 3-4 फार्मूले क्या है अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या है मेरा ये लेक्चर जो अख्ताम को पहुंचा, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन भी दबाएं, आपका शुक्रिया।